अपने दिमाग में से थोड़े से वक्त के लिए उसे निकाल कर तुम मेरे साथ नहीं बिता सकते? क्यों हर जगह प्रकृति है, मैं क्यों नहीं राज? मैं क्यों नहीं? एक मिनट स्वीटी, हम दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त। एंड डोंट वरी, मैं ये तुम्हें सारी जिंदगी याद दिलाऊंगी। थैंक गॉड। क्यों? चलो ये तो तय हुआ कि हम लोग जिंदगी भर साथ रहेंगे। ओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, राज और मुझ में सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है। मेरे दिल में राज के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा नहीं क्या प्रकृति, राज को मुझसे छीनने की कोशिश करके? अपने पापा के पैसे और पोजीशन का गुरूर है, अगर मुझे डराना चाहती हो तो मुझे ना ही पहले कभी फर्क पड़ा था और ना ही आगे पड़ेगा। इसी गुरूर को तो तोड़ना है मुझे। तो टूट जाए, उसे गुरूर नहीं कहते स्वीटी। फिर भी कोशिश करके देखना जरूर, शायद तोड़ पाओ। ओके बेबी, ऑल द बेस्ट। तेरे इस गुरूर को तो मैं तोड़कर रहूंगी प्रकृति, और राज को अपना बनाकर तुझे खून के आंसू भी रुलाऊंगी। आपने तो कुछ खाया ही नहीं, आप ले क्यों नहीं रहे कुछ? नहीं भाभी जी, बिल्कुल मेरा मन नहीं कर रहा। थैंक यू। आप सोच क्या रहे हैं? क्या बताऊं भाभी जी, जिम्मेदारियों के जाल में ना बुरी तरह से फंस गया। आपका साथ देकर भाई का फर्ज निभाऊं या प्रकृति का साथ देकर कोच का? इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। आप वही कीजिए ना जो सही है। वही तो समझ में नहीं आ रहा भाभी जी, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों सही है, आप भी और वो भी। जब बात एक ही मुद्दे की हो भाई साहब, तो दोनों पक्ष सही नहीं हो सकते, किसी एक का गलत होना जरूरी है। अब आपको तय करना है कि गलत कौन है। चलिए मैं ही आपकी हेल्प कर देती हूँ। इनफैक्ट भाई साहब, गलत मैं हूँ, क्योंकि मैं अपनी बेटी को वो सुकून की जिंदगी देना चाहती हूँ जो मुझे नहीं मिली, जो मेरे नसीब में नहीं थी। मैं उसे जंगलों की खाक छानने से रोककर एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ी पोस्ट पर देखना चाहती हूँ जो वो डिजर्व करती है। कमाल करती है जी। उसके अरमानों का क्या, मतलब उसके अरमानों को आप अपने पहलू तेरे रोन देना चाहती हैं? और मेरे अरमानों का क्या भाई साहब, वो उम्मीदें, वो ख्वाब, वो सुकून जो मेरी बेटी के साथ जुड़े हैं, उनका क्या? सारी उम्र मैंने अपनी बेटी के इर्द गिर्द गुजार दी, उस एक एक लम्हे, एक एक पल का क्या? क्या आप बता सकते हैं मुझे? चाय ठंडी हो गई, मैं गर्म करके लाती हूं। और हां, ठंडी चाय से याद आया, ठंडे दिमाग से सोचना भाई साहब, लड़की है वो, कितना लड़ पाएगी दुनिया से? भाभी जी आप भी कमाल करती हैं। आप, मानता हूं कि वो लड़की है, पर वो लड़का भी है। एक आग है उसके अंदर, एक ऐसी आग जो इस दुनिया को जला के राख कर सकती है। देखिए, आपका मुकाबला तो ना मैं कर सकता ना वो, रही बात इस दुनिया की, तो इस दुनिया से लड़ने के लिए मैंने उसे ट्रेन कर दिया है। She is ready to fight the world.
क्या हुआ मैडम, मैं कुछ हेल्प करूं? नो थैंक्स। अरे कैसी बात कर रही है, अभी गाड़ी खराब है। नहीं इट्स ओके, थैंक यू सो मच। राधे सुनना, अरे मैडम गाड़ी गैराज तक लेके जा। अरे आप क्या कर रहे हो, मैं खुद ले जाऊंगी। अरे मैडम क्या बात कर रही हैं आप, गैराज लेके आए। मैंने एक बार कहा ना, नो थैंक्स। अरे मैडम आप हमारे साथ आइए, आइए ना। हाथ छोड़। अरे मैडम अब छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है, प्लीज आइए ना। लड़कियों की इज्जत करना सीखो, पर प्यार से नहीं मानोगे ना तो ऐसे समझाएंगे, समझ गया? निकल निकल भाग, चल निकल। क्यों को कहेंगे? समझाए और कैसे? अगर आज की यूथ को लोग बुरा कहते हैं, क्यों ना कहे? स्वीटी, हाय राज। यहाँ कोई है क्यों नहीं? मैं हूँ तो राज। या, बट तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अगर बाकी लोग होते तो डिस्टरबेंस होता ना, इसीलिए सारा रेस्टोरेंट ही बुक कर लिया। स्वीटी ये सब क्या है? स्वीटी जानती ये सब चीजें मर्द क्या करते। मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करके देखती। स्वीटी राज, will you marry me? ये क्या पागलपन है? बचपन की दोस्त हो ये सोचकर तुम्हारी हर बेवकूफी नजरअंदाज करता आया मैं, और तुम इस हद तक आ गई? स्वीटी मैं सिर्फ प्रकृति से प्यार करता हूं और उसी से शादी करूंगा। ये हरकत दोबारा मत करना वरना हम दोस्त भी नहीं रहेंगे। राज
क्या है ये? क्या है ये? पूछ रहा हूँ कुछ। क्या? बिल है तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का 5 लाख का, ये देखो। तो पहली बार है क्या? पहली बार नहीं है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं एक पैसा इसमें से देने वाला नहीं हूँ। कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी ना मिस्टर बजाज, रिश्ते सस्ते नहीं बिकते। औरत है ये, कैसी बात कर रही? अरे किस जन्म का बदला ले रही हो तुम भाई? खुदा नहीं हूँ मैं जो अगले और पिछले जन्म का हिसाब रखूं, इसी जन्म का पाप हूँ, भुगतना तो पड़ेगा। और बोलो, पूरी करो, बात पूरी करो। क्यों चुप हो गई भाई? अपने बेटे के सामने बोलो जो बोल रही थी। सुनो बेटा सुनो, बोलो बोलो बोलो। अंतर है मिस्टर बजाज, आप में और मुझ में यही अंतर है। मैं अपनी हदें भूलती नहीं और आप अपनी हदें याद नहीं रखते। बस एक दिन, क्या जिंदगी का एक दिन आप लोग मुझे ऐसा दे सकते हैं कि मैं घर आऊं और मुझे लगे मैं घर आया हूं? सॉरी बेटा। सॉरी उससे क्यों भाई? उससे क्यों सॉरी बोल रहे हो? सॉरी मुझसे बोलो, इंसल्ट मेरी की है तुमने। इंसल्ट का हिसाब करने बैठूंगी ना तो आपकी पूरी जिंदगी मुझे सॉरी बोलने में निकल जाएगी। अरे कौन कहेगा कि आप पति पत्नी है? राज, ये ठीक नहीं किया मिस्टर बजाज आपने। आज एक और हरकत ऐसी कर दी जिसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। हिसाब ले लेना, 5 लाख 10 लाख 20 लाख कितने का चेक काट दूं? बोलो, ले लो अभी ले लो। लेकिन मैंने गलती कौन सी की है ये बताओ मुझे। मेरे बेटे को हर्ट नहीं करना चाहिए। तुमने किया है, हर्ट मैंने नहीं किया है, तुमने शुरू किया था। तुम गलत तरीके से बात कर रही हो मुझसे। भाड़ में जाओ तुम। पता नहीं सुकून की तलाश में बेचारा रात भर कहां कहां भटकेगा। ये ठीक नहीं किया मिस्टर बजाज। कुछ पल तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, कुछ नहीं कहूंगा मैं, और तुम भी कुछ मत पूछना, बस यूं ही ऐसे ही। क्या बिना सवाल जवाब के कुछ देर हम साथ बैठ सकते हैं? तुम? कुछ नहीं चाहिए प्रकृति, बस कुछ पल। इनफ इज इनफ राज, कल रात की बात को मैंने मजाक में ले लिया तो तुम आज फिर आ गए। तो क्या करूं, कहां जाऊं? जब सुकून ही तुम्हारे पास मिलता है तो और कहां जा सकता हूं? क्या हुआ राज? क्या होगा, क्या होता है हमेशा। योर मॉम एंड डैड। मजा आता है ना तुम्हें? मेरे मम्मी और पापा के किस्से सुकून देते हैं तुम्हें। चटपटी मसालेदार खबर, ब्रेकिंग न्यूज, आज फिर राज के मम्मी पापा के बीच में झगड़ा हुआ। तुम्हारे घर में ये सब नहीं होता ना प्रकृति, सिर्फ मम्मी है तुम्हारी। तुम्हें अफसोस होता है कि पापा नहीं है, और मुझे अफसोस होता है कि पापा हैं, आज भी हैं। कूल राज, बताओ ना क्या हुआ? कुछ नहीं, बस परेशान हूं। मेरी परेशानी का इलाज तुम हो, बेचैन हूं, मेरा सुकून तुम हो। बस कुछ पल तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, कुछ नहीं कहूंगा मैं, और तुम भी कुछ मत पूछना, बस यूं ही ऐसे ही। क्या बिना सवाल जवाब के कुछ देर हम साथ बैठ सकते हैं? प्लीज।
थैंक्स। इन कुछ पलों के लिए मैं अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर सकता हूं, इस सुकून के लिए जिस दिन जान भी मांगोगी दे दूंगा। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो राज, जो प्यार तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो मैं तुम्हें कभी नहीं दे पाऊंगी, कभी नहीं। स्वीटी क्या हो गया बेटा, बेटा क्या हो गया ये स्वीटी, स्वीटी स्वीटी ये माय गॉड। सो रही है, सही वक्त पर ले आया आप इसको, अब स्वीटी ठीक है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि स्वीटी ठीक है, इंपॉर्टेंट ये जानना है कि स्वीटी को आखिर हुआ क्या है। आप नहीं जानते? डॉक्टर आप है, मैं नहीं। स्ट्रेंज, आपकी बेटी ड्रग एडिक्ट है ये बात आपको पता नहीं? What? आपका रजिस्टर लेटर आया? हाय मम्मा। हाय। क्या है? कुछ नहीं बेटा। किसका लेटर है? किसी का नहीं। ऐसी कौन सी चीज है जो मुझसे छुपाई जा रही है? हाँ, मैंने कहा ना बेटा, ऐसा कुछ नहीं जो तुमसे छुपाया जाए। किसका लेटर है दिखाओ? क्या बचपना है ये? दिखाओ। ये क्या बचपना है प्रकृति? दिखाओ। दिखाओ। मैं दो मुझे। मैं देखूंगी। दो। ये तो मेरे नाम की रजिस्ट्री है। हाँ, मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दूंगी। आई एम सरप्राइज मॉम। ये तो मेरे फॉरेस्ट सर्विस के एग्जाम का लेटर और रोल नंबर है। मामा, आप ये मुझे छुपा क्यों रही थी? तुम ऐसे सवाल करती ही क्यों हो जिनके जवाब तुम जानती? आई डोंट बिलीव दिस। आप मुझे ये छुपा रही थी ताकि ये मुझे कभी ना मिले, और मैं सोचती रहूं मेरा एडमिशन कार्ड अभी तक आया क्यों नहीं। प्लीज मॉम। हाँ मोहित बोलो। What? स्वीटी? अच्छा कौन से हॉस्पिटल में? ओके ओके ओके, आई एम कमिंग। आपसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। स्वीटी इज हॉस्पिटलाइज। आई विल प्रकृति, और उसके लिए मुझे तुम्हारी दुआओं की कोई जरूरत नहीं। ले लेनी चाहिए, कभी कभी दुश्मनों की दुआएं भी असर कर जाती हैं।
कैसी हो स्वीटी? ठीक हूँ। ये सब कैसे हुआ? तुम मेरी दोस्त नहीं हो प्रकृति, इसलिए मुझे तुम्हें ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं। स्वीटी ये कैसी बात कर रही हो तुम? प्रकृति यहाँ तुम्हारा हाल चाल पूछने आई है और तुम हो कि? हाँ तो ठीक है ना, जब प्रकृति हॉस्पिटल में होगी तो स्वीटी पूछने के लिए आ जाएगी। चुप हो जा, वरना इसी हॉस्पिटल में एक दूसरे बेड पर तू नजर आएगा। यार छोड़ो ना, तुम लोग यहाँ स्वीटी से मिलने आए हो या पंगे करने? ये तो यहाँ पे मिलने ही आया था, बट कुछ लोग अपने साथ पंगे लेकर चलते हैं। ओके स्वीटी, बाय, यू टेक केयर। आई विल प्रकृति, और उसके लिए मुझे तुम्हारी दुआओं की कोई जरूरत नहीं। ले लेनी चाहिए, कभी कभी दुश्मनों की दुआएं भी असर कर जाती हैं। राज, मुझे ऐसा क्यों लगा कि तुम मुझसे मिलने आए थे? या, मैं यहां हूं राज, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। या, टेक केयर स्वीटी, मैं शाम को फिर आता हूं। सी, ये तो इसी मौके की तलाश में था कि प्रकृति के पीछे जाए। वो प्रकृति से प्यार करता है। मैं जानती हूँ मामा, आप मेरे बिना नहीं रह पाएंगी, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मेरी पोस्टिंग जहां भी होगी ना, आप मेरे साथ चलोगी। हर परीक्षा से पहले भगवान से यही दुआ मांगती थी कि तू पास हो जाए। और पहली बार है बेटा मैं भगवान से दुआ मांगती हूँ कि तू इस परीक्षा में पास ना हो। राज, तुम्हारे लिए बहुत ही एक्सपेंसिव चीज है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही मामूली चीज है। आज की